अब जाके मुझे थोड़ी क्लैरिटी आई कि बेटा ये गेम सिर्फ टैलेंट का नहीं है। हाँ। तो वहां जाके मैंने छूटते ही कहा कि सर स्क्रिप्ट दे तो कैरेक्टर के बताओ तो सही, सर मैं कुछ जानता ही नहीं, कर क्या रहा हूं मैं। एक्चुअली घबराया हुआ था मैं, क्योंकि बड़ा सेटअप है महारानी का, जो सेटअप था बहुत बड़ा सेटअप, रोज 3 घंटा आना 3 घंटे जाना 6 घंटा, अब फिर यहाँ 1-2 घंटे आप रुकना, मतलब मेरी तो हालत, मैंने कहा गलत जगह आ गया मैं। आगे वो विद्रोह थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि आपने ये साबित किया जहां पे आपके घर वाले परिवार वाले चाहते थे कि आप आईएएस बने, लेकिन आप एक कलाकार बने, तो उन पेरेंट्स से, उन लोगों से आप क्या एक कहना चाहेंगे, बात क्या समझाइश देना चाहेंगे? तो महारानी जो आपको कैरेक्टर मिला, जिसने आपको एस्टेब्लिश किया, आपकी मेहनत को सबके सामने प्रस्तुत किया, उसमें कुर्ता जो था वो तो पिताजी का था जी, कैमरा वर्क किया था भाभी जी ने जी, जी। है ना, तो इनका सपोर्ट ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन वैसे आपके करियर में कितना सपोर्ट? जब भी कोई एक्टर बनने की सोचता है, कलाकार बनने की सोचता है, तो सबसे पहला जो विरोध होता है वो आसपास के लोगों से शुरू होता है। बिल्कुल, समझाना जो शुरू होता है आसपास के लोगों से होता है, और तब अचानक ऐसा होता है कि सारी दुनिया बहुत समझदार हो जाती है और आप बहुत बड़े बेवकूफ हो जाते हैं। तो उस बेवकूफी वाले मोमेंट को आपने कैसे जिया, कैसे टैकल किया और कैसे इरादा अपना पक्का किया? फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433-66-6618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड के गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप जब भी आते हैं तो ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे कोई आर्टिस्ट उस जगह तक पहुंच पाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, कैसे वो बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर लेता है जो कि आप भी करना चाहते हैं, और ये जान सकते हैं तभी सच्चाई में जब आप किसी ऐसे शख्स से मिले जिसने उस चीज को जिया है, जिसने वो जर्नी देखी है। मेरे साथ ऐसे ही एक आर्टिस्ट हैं, पंकज झा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच पंकज जी। महारानी से आपकी कहानी एकदम महाराजा वाली शुरू हुई एज एन आर्टिस्ट, मतलब कि जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट मिला, ये कैसे मिला, क्या तरीका था, और कैसे फिर इसकी शूट हुई, और जब ये रजिस्टर होकर ऑडियंस के सामने आया तो उसका रिस्पॉन्स, ये तीनों ट्रांजिशन में समझना चाह रहा हूँ। महारानी एक तो 2020 में मेरे साथ घटी, मैं इसको घटी इसलिए बोलूँगा कि एक बड़ी घटना होती है हर कलाकार के जीवन में जब इस तरह का कुछ होता है, जिसका इंतज़ार मैं पिछले मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गया मैं कर रहा था, क्योंकि 98 से शुरुआत हुई थी थिएटर की दिल्ली में, 7-8 साल मैं थिएटर कर रहा था, एंड देन आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 2009। ओके, तो 2009 से लेकर जो इंतज़ार है वो 2020 में शायद ख़त्म होती है, खत्म नहीं कहेंगे, वो जर्नी वहाँ से एग्जैक्ट अब शुरू हो रही है थोड़ी सीरियस वाली। चूँकि वीरेंद्र जी क्या होता है ना कि एक कलाकार को जब एक बड़ा काम मिलता है तो लोगों को लगता है ये रातों रात हो गया है, तो ये रातों रात वाली बात कुछ नहीं होती, बहुत रातें होती हैं, बहुत रातें होती हैं, और कितनी मतलब बेकार सी रातें होती हैं आपके साथ, ये लोग उसको देखना नहीं चाहता है। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही रहा, बहुत संघर्ष का एक लंबा दौड़ आप कह सकते हैं, बहुत लंबा दौड़, और तब जाके 2020 में एक्चुअली में हुआ था क्या कि 2020 तक लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के बाद में सब लोग जैसे गांव जा रहे थे, तो 2-3 महीना तो मतलब बॉम्बे में कट गया किसी तरह, क्योंकि थोड़े पैसे थे, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा ना वो भी हो गया था कि चलो लोगों को थोड़ा कुछ केले बिस्किट्स वगैरह बांट के, तो परोपकार वाली बात हो गई थी, तो बड़ा अच्छा लगने लगा था, फील अच्छा आ रहा था, बट 2-3 महीने बाद ना फिर वो हालत ख़राब होने लगी। तो सब लोग गाँव जा रहे थे, तो मेरी वाइफ थी, मैंने उनको बोला कि चलें फिर अब घर, यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम लोग फिर गांव चले गए। बिहार में एक अररिया गांव है जो पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ जो है हम चले गए, क्योंकि गांव में इस तरह का कोई माहौल ही नहीं था कि भाई कोरोना है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, बहुत लाइटली ले रहे थे, मतलब बहुत कूल रिलैक्स, जैसे सब नॉर्मल पहले ज़िंदगी चल रही थी लोगों की वैसे ही लगभग चल रही थी, या तो ये कह लें कि बाहर से जो लोग जा रहे थे गांव में ना वो लोग बिगाड़ रहे थे माहौल को, अदरवाइज बहुत सेटल्ड थे वो लोग। तो मैं भी वहाँ गया, तो सब बड़े अच्छे से गाय वाय घर पे है, सब दूध वूध अच्छा सा घर है हमारा बिहार में, तो खेत वेत और वो सब, आम का मौसम था तो जाके हम अच्छा सा आम वाम खा रहे थे, मस्त अपना इन्जॉय कर रहे थे। 3-4-5 महीने ऐसे ही गुजर गए, फिर सडनली एक दिन मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से एक कॉल आता है कि सोनी लिव के लिए महारानी एक सीरीज़ है, उसके लिए हम एक ऑडिशन करना चाह रहे हैं। तो अब मुश्किल ये कि गांव में ऑडिशन का मेरा कोई सेटअप भी वैसा नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज वो था एक्चुअली, कॉस्ट्यूम ढूंढ पाना सही तरीके से। मेरी कोशिश होती है कि एग्जैक्ट अच्छे तरीके से जितना आप दे सको वो बना के दे दो, बाकी छोड़ दो भूल जाओ, जो होना होता है वो तो होता है।
तो मैंने पिताजी से बोला कि वो नेताओं नेता वाला कुछ किरदार है तो आपके पास कुछ कुर्ता वगैरह है तो निकालिए। फिर उनका कुर्ता ढूंढ के निकाला, वो नेता वाले जोन का बंडी एक ढूंढ के निकाला, फिर हमने पहना। फिर वाइफ को मैंने कहा कि कैमरा आप संभालिए, क्योंकि कैमरा से उनको मैंने थोड़ा सिखा दिया था बॉम्बे, तो उन्होंने कैमरा किया। ऑडिशन अच्छे से हमने उस सेटअप में बना के भेज दिया था, सेटिस्फेक्शन था कि ऑडिशन अच्छा हुआ है। और उस वक्त लगातार लेकिन ऑडिशन हो रहा था, घर जाने के बाद भी बॉम्बे से कॉल्स आ रहे थे, लोग ऑनलाइन ही ऑडिशन चल रहे थे। सो एंड आई वाज ऑडिशनिंग लाइक 5-6 ऑडिशन इन अ मंथ और समथिंग। ओके, तो अच्छा था कि चलो एक दो में शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक बड़ा शो काउचिंग टाइगर के करके था जो मेरा उसमें हुआ नहीं फाइनली, बट मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। ऐसे काफ़ी सारे शोज में ऑडिशन होता रहा। फाइनली आफ्टर वन एंड हाफ मंथ्स आई गॉट ए कॉल फ्रॉम कांगड़ा टॉकीज, जो प्रोड्यूसर हैं शो के, और उनके जो EP हैं, उन्होंने फिर फ़ोन किया, बात हुई कि पंकज जी आप फाइनल हो गए हैं इसके लिए, तो पेमेंट वगैरह की बात हुई एंड देन ऑन बोर्ड, मतलब मैं आ गया था उसमें। दिवाकर का जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार का जो कैरेक्टर है, सो वो मिल गया। फिर अब तैयारी शुरू हुई कि भाई शूटिंग कब से है, क्या है। तो फिर हम वहाँ से बिहार से निकले तो बीच में बंगाल, तो बंगाल में मेरी वाइफ बंगाल से हैं, अलग हैं बिहार से बट वो बंगाली हैं, तो उनके घर पे मैं पहली बार गया था शादी के बाद। 2019 में शादी हुई, वहाँ जाके फिर वो बंगाल का पूरा भूटान का पहाड़ वो सब बड़ा खूबसूरत एक मेरा था कि भाई ये लॉकडाउन में जो हम घुटे हैं 4-5 महीने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो बंगाल में आके हम पूरा फुल घूम रहे थे वहाँ। फिर कॉल आ गया कि भोपाल में शूट है, ये डेट है, तो आप आ जाओ बॉम्बे। फिर हम वहाँ से बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद फिर भोपाल आए, और सबसे मज़े की बात ये थी, एक मज़ेदार आपको किस्सा सुनाता हूँ मैं। उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे नहीं दिया था, अच्छा, सीधा कहा कि आप सेट पे आओ, स्क्रिप्ट हम वही देंगे आपको। तो जो लाइन ऑडिशन में था मेरे पास सिर्फ वही क्लू था और कुछ नहीं मालूम कैरेक्टर, कुछ नहीं कैरेक्टर के बारे में। यार ये कमाल, मतलब ये बड़ा हॉरिबल भी है, डरावना भी है, एक तरीके से एक एक्टर के लिए चैलेंजिंग भी हो जाता है कि जब आपको कुछ पता ही ना हो कैरेक्टर, सीधे शूट पे जा रहे, सीधा शूट पे जा रहे। तो वहां जाके मैंने छूटते ही कहा कि सर स्क्रिप्ट दे तो कैरेक्टर के बताओ तो सही, सर मैं कुछ जानता ही नहीं, कर क्या रहा हूं मैं। एक्चुअली घबराया हुआ था मैं, क्योंकि बड़ा सेटअप है, महारानी का जो सेटअप था बहुत बड़ा सेटअप, लेकिन तब भी नहीं बताया। तो उन्होंने फर्स्ट डे के शूट का इतना मुझे दिया पार्ट कि आज ये शूट कर रहे हैं, और घबराहट कि भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जो हमने ऑडिशन दिया था उसका, और इसमें कोई तारतम्यता ही नहीं। फिर हम छोड़ते ही बाहर गए तो पता चला कि हम सब लोग, हुमा कुरैशी और जो उस सीन में मेन किरदार थे, सब लोग बैठ के रीडिंग चल रहा था कि चलो ये सीन आज हम करने वाले हैं। तो सुभाष सर वहाँ बैठे हुए थे, मैं छूटते ही मैंने कहा सुभाष सर मैं वर्कशॉप में भी नहीं था और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, क्या है वो किरदार आप बताओ तो सही, हम मेथड एक्टिंग वाले जोन से आए हुए हैं थिएटर करके और उस तरह का घुसेंगे थोड़ा टाइम लगेगा हमें, तो बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला पंकज डू यू नो प्रशांत किशोर, सर सो यू आर प्रशांत किशोर, ओके। तो फाइनली चूंकि प्रशांत किशोर को मैं पिछले 1-2 साल से फॉलो करने लगा था, उनके सारे इंटरव्यू सुनना, तो वो रेफरेंस में मिल गया, बट वो ये था कि मतलब जब सेट पे गए तो एकदम अलग ही मामला, वो भी मैं सुना रहा हूँ आपको। तो प्रशांत किशोर जी से मुतासिर इसलिए मैं रहा कि वो बिहार के लिए जिस तरह, मैं भी थोड़ा सा पॉलिटिकली बिहार को लेके जो बदलाव होने की बात है वो सेंटीमेंट है, वो है मेरे पास, क्योंकि मैंने बचपन से बिहार को बर्बाद होते हुए देखा है, right. लिटरली बर्बाद होते हुए, नेताओं द्वारा उसको खत्म करना, लोगों का माइंड वॉश करना, पढ़े लिखे लोगों को भी भेड़ बना देना, मतलब वो भी हुआ हुआ करते हैं, है ना, जैसे हम मेरा एक शब्द ईजाद किया हुआ है जो हम फेसबुक पर लिखते हैं, हुआ हुआ करना, तो हुआ हुआ करने का मतलब होता है भेड़िया एक ने कहा हुआ तो सबने कहा हुआ, आपकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस, अपनी कोई राय ही नहीं है कि भाई ये गलत है ये सही है, बोलो तो सही। तो प्रशांत किशोर मुझे बड़े मतलब प्रिय रहे, तो उनको मैं बड़ा फॉलो। अब 5 मिनट बाद हम चले जा रहे हैं शूट पे, सारा सेटअप लगा हुआ है, और उसमें मेरे भर भर के डायलॉग थे पहले दिन, तो हुमा के साथ में था तो हमने डायलॉग बोल दिया, सीन हो गया। अब सुभाष सर करें कट कट, बस क्या कर रहे हो सर, आपने जो कहा उस हिसाब से मैंने कर दिया। एंड प्रशांत किशोर जैसे उन्होंने बोला था ना, प्रशांत किशोर बड़े सीरियस किस्म के इंसान, संजीदा वे में संजीदा है उनका, वो कभी भी बहुत वो नहीं हो जाते कि अरे यार मतलब मजाकिया या बिहारी जो होता है ना कि टिपिकल बिहारी वैसा कभी था, वो बड़े पढ़े लिखे इंसान, वर्ल्ड बैंक में नौकरी किया हुआ उन्होंने और बहुत काफी लंबी जर्नी उनकी रही, तो वो जोन में मैं चला गया था, बड़े आराम से डायलॉग बोल रहा हूँ उस हिसाब से। बोला नहीं 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 तुम कटाक्ष कर रहे हो हुमा पे, तुम्हारा वो है, मतलब कटाक्ष क्यों करेगा प्रशांत किशोर, मैं और फंस गया
कि ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा प्रशांत भूषण कह रहे हैं कटाक्ष, हालांकि मोस्टली बिहारियों में एक रहता है बहुत सरकास्टिक होते हैं, ये मैं बिहारी होते हुए बोल रहा हूँ आपको, मैं बिहारी हूँ, सो सरकाज्म उनके अंदर होता है, जज करना किसी को तुरंत, मतलब तुरंत बिना किसी उसके लाग लपेट के जज कर देंगे आप, वो सब रहा है। लेकिन मैंने कहा ये तो हुआ नहीं है, प्रशांत भूषण बाहर से पढ़ के आया हुआ है। देन अब वो कह रहे कि नहीं नहीं पंकज ये नहीं, फिर दोबारा करो, एक और टेक हुआ, थोड़ा सा मैंने डाला उसमें सरकाज्म, नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और पंकज, एंड होते होते तीन चार कट पांच कट में सुभाष सर बड़ा थोड़ा सा वो मतलब गुस्सा भी हुए, थोड़ा एक्साइटेड भी हो गए, पंकज क्या कर रहा है यार तू, इसको कर रहे इसको ऐसे कर रही है मैं, तब जब उन्होंने करना शुरू किया ना तो मैंने कहा अच्छा ये तो ये वाला जोन है। मैंने कहा सर प्रशांत किशोर लेकिन ऐसा नहीं, नहीं प्रशांत किशोर का ग्लिम्स है। फाइनली जो है फिर करेक्टर पकड़ा, फाइनली मैंने पकड़ा, वो टेक हुआ, उन्होंने बोला ओके डन, और फिर उस चीज को मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया। इसलिए आपने देखेंगे कि अब दिवाकर जो है पूरे शो में ना कटाक्ष कर रहा है, वो सरकास्टिक है ना, अरे मैडम मतलब ऐसा वाला पूरा पूरा वही अंदाज है उसका। और जब वो रिलीज हुआ तब फिर क्या बदलाव आए? देखिए रिलीज होने के बाद मतलब हम लोगों को बड़ा इंतजार था कि भाई रिलीज, 6-7 महीने तो शूटिंग हुआ उसका, हम लोग जम्मू कश्मीर पता नहीं कहाँ कहाँ शूट कर रहे थे उसका, विधानसभा जो है वो जम्मू कश्मीर का रियल विधानसभा में शूट हुआ है, तो वहाँ थे, लास्ट में लास्ट शेड्यूल वही था। फिर मैं चला गया था बंगाल, क्योंकि उसी समय मेरी छोटी बच्ची होने वाली थी तो वो पैदा हो रही थी, तो फिर उसी दौरान वो रिलीज हो गया। और रिलीज होने के बाद वीरेंद्र जी कुछ मतलब अजीबो गरीब कुछ हुआ, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस तरह से, लोगों का कॉल इतना, मैसेजेस कॉल सारे, पंकज बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पूरे शो में, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है और वो सब बहुत बढ़िया है, लगातार इंटरव्यू शुरू हो गए और वो सब हुआ। फिर मैं बॉम्बे आ गया, क्योंकि मुझे मैंने कहा कि ये सही समय है थोड़ा लोगों से मिला जाए, तो बॉम्बे आया, फिर लोगों से मुलाकात शुरू हुई। और मतलब ये था कि जिसने भी देखा वो एक जो कमेंट जिसके लिए हर एक्टर मुझे लगता है तरसता है, उसकी चाहत होती है, वो अवार्ड से कम नहीं है, कि तुमने कैरेक्टर को बड़ी ईमानदारी से प्ले किया, जो एकदम सटल होना चाहिए थिएटर, क्योंकि थिएटर वालों के साथ बड़ा डर होता है कि थिएटर वाले लाउड हो जाते हैं, और मैं लगातार थिएटर कर रहा था, बड़े लंबे समय तक मेरी थिएटर की जर्नी रही है, तो मुझे भी डर था कि कहीं हो जाऊं, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले का कुछ कर्म था, कुछ तो ब्लिसफुलनेस भी होता है, ब्लेसिंग्स होता है, कि वो हो गया। सुर लग जाना एक हर एक्टर का होता है, कि सुर सच्चा सुर लग जाए उस किरदार का उस मोमेंट में ना, तो समझ लीजिए वो, तो वो सुर जो सुभाष कपूर सर ने जो वो किया ना, वो पकड़ में आया मुझे, वो पकड़ में आ गया। ओके, तो फिर मैंने वो कर दिया और लोगों को बेहतरीन पसंद आया अब तक। तो ये 9-10 साल का पेशेंस, 9-10 साल की स्ट्रगल, 9-10 साल की मेहनत, और उसके बाद इतना रिकॉग्निशन मिलना, रिस्पॉन्स मिलना, अब जब इन दोनों को मिला के देखते हो तो क्या लगता है सही डिसीजन था एक्टर बनने का? एक्टर बनने का जो डिसीजन है वो मेरा कोई कॉन्शियस डिसीजन एक तो नहीं था, दूसरी बात 10 से 11 साल से ज्यादा की जर्नी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली की जर्नी भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट, 2003 से लेके दिल्ली से जर्नी शुरू हुई, 2003 से 9 तक मैं दिल्ली में था, फिर यहाँ की वो ये पूरा 14 साल की जर्नी, 13 साल की, तो लंबी रही, मतलब 20-22-25 साल। देखिए कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, मुझे ये नहीं अंदाजा था कि बड़ी कठिनाई वाला ये लाइन है, मतलब इतना टफ होगा, आपको इतने सक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, इतना कुछ छूट जाएगा आपके जीवन में, इतना कुछ हो जाएगा, फिर जाके एक चीज मिलता है आपको, इतना अंदाजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो आज भी जिसका मलाल मुझे लगता है कि यार ये ना परीक्षा बहुत लेती है ये फील्ड, मतलब ये कला जिसको हम साधना, देखिए एक तो बॉम्बे में क्या होता है कि अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो आपको लगता है कि ये साधना है, जब आप प्रैक्टिकल जीवन में उतरते हैं तो लगता है नहीं बिजनेस है, तो साधना और बिजनेस के बीच का जो एक बैलेंस बनाना समझने में टाइम लग जाता है, मतलब आप कंफ्यूज होते हो। अब जाके मुझे थोड़ी क्लैरिटी आई कि बेटा ये गेम सिर्फ टैलेंट का नहीं है, या सिर्फ साधना और कला को उस तरीके से लेने का नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को बेचने भी आना, अप्रोच भी उस तरीके, लिटरली मैं उसको बेचना, चूंकि मनोज वाजपेयी सर का बड़ा मतलब उनका वो हूँ और मेरे ही जिला से है वो, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। उनका एक बड़ा, उन्होंने बोला था एक बार कि मैं भी बड़ा कलाकार अच्छा हूँ, तो उस चौड़ में आया था बॉम्बे, बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं 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 ये तो कंप्लीट बेचने वाली बात है, आप अपने आप को कैसे बेच पाओगे उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो,
जितना अच्छा माल बिकाऊ आप होंगे उतना अच्छा प्राइस मिलेगा, तो कंप्लीट। तो हालांकि सुनने में बड़ा ऑड लगता है कि यार हाँ, कलाकार को खास हम एक कलाकार हैं हाँ। और ये बेचने और बिकने और बिकाऊ होने की बात चल रही है हाँ। तो ये बड़ा ऑड सा, बट सच्चाई ही है। मतलब ये प्रैक्टिकल है कि बॉम्बे इतना हार्श और इतनी रियलिटी में आपको पटक देती है लाके प्रैक्टिकल जीवन में, जिससे कि वो जो नशा है ना कि मैं थिएटर से हूँ तो हार्ड कोर एक्टर हूँ, वो थोड़ा उतर जाता है। जैसा आपने कहा बंगा जी कि आपको भी एक डर था और थिएटर आर्टिस्ट में हो भी जाता है कि थोड़े से ओवर द टॉप हो जाते हैं, लाउड हो जाते हैं, और वो डर आपके अंदर भी था लेकिन वो एक सटल वे में करना था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे थिएटर के आर्टिस्ट इसी वजह से शायद विजुअल मीडियम में नहीं आ पाते, क्योंकि वो शायद वो ब्रेक नहीं कर पाते या उसको मेंटेन नहीं कर पाते टेक्निकल एक्टिंग को? एक रीजन ये है, मतलब कंप्लीट यही रीजन सिर्फ नहीं है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि थिएटर ना एक ड्रग्स के नशे की तरह है, एडिक्शन वाला है मामला। मतलब मैं आपको बताऊं, 2009 से पहले दिल्ली में मैं इतना कंफर्टेबल था, मंडी हाउस में जाना सुबह से शाम में लौटना, और मंडी हाउस का वो पूरा एक दुनिया है, दौर एक दुनिया, एक पूरी दुनिया है अपने आप में। मतलब साहित्य का यहाँ कुछ चल रहा है, वहां प्ले हो रहा है, यहाँ नृत्य का कुछ चल रहा है, वहां मंडी हाउस के अंदर जब एनएसडी में घुस गए तो सम्मुख में कुछ चल रहा है, कोई नाटक, आप दिन भर नाटक देख रहे हैं, रिहर्सल हो रहा है, कोई स्पेस नहीं चाहिए, आप पार्क में बैठ कर रिहर्सल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो वैसा माहौल, और पैसे नहीं आपके पॉकेट में लेकिन आप खुश हैं, बेमतलब के खुश हैं आप, पैसे नहीं आपके पास, कपड़े बहुत अच्छे नहीं पहने हुए हैं लेकिन खुश हैं आप, एक चाय पी ली, थोड़ा सा सिगरेट विगरेट पी लिया और आप खुश हैं, वाह क्या बात है ना, मंडी हाउस में उछल रहा है वो। तो मैं कहीं ना कहीं उसी उसमें था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। बाद में कई लोगों ने, जिसमें कि मैं नाम लूंगा आपको, दिलीप शंकर जी मेरे गुरु हैं और गाइड हैं, तो उन्होंने कितनी बार कहा, रंजीत कपूर जी ने जब उनके साथ थिएटर कर रहा था चेकअप की दुनिया वगैरह, तो उसमें उन्होंने कितनी बार मुझे कहा, वेस्टर्न एबल के साथ एक प्ले कर रहा था ब्रेन चाइल्ड, जिसमें यशपाल शर्मा थे, तनिष्ठा थी, तो उन्होंने कितनी बार कहा वेस्टर्न सर ने कि पंकज तुम बॉम्बे क्यों नहीं जा रहे हो, कहा सर बॉम्बे में क्या होता है और क्यों जाना है वहाँ, यह बढ़िया है, बढ़िया है, नहीं 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 बॉम्बे में हर एक्टर की, अरे नाम कमाना है ना, पैसे कमाने हैं, तो खटका, फिर कुछ तो खटका यार, ये क्या है, मतलब पैसा कमाना के लिए वहां जाना पड़ेगा क्या। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इतना ब्लाइंड था मैं, अरे कोई तैयारी नहीं थी कि बॉम्बे आना ऐसा कुछ, बट वो तीन चार लोगों ने जब पोक किया ना, तो फिर मुझे लगा नहीं ये तो कुछ है मामला। फिर थोड़ा पता लगाया तो पता चला कि अच्छा वहां जाएंगे तो काम मिलेगा, फिल्मों में टीवी सीरियल वगैरह भी होता है, और पैसे कमाने हैं, घर लेना है, शादीशुदा, मतलब शादी भी करनी है, तो एक सेटल्ड लाइफ होने के लिए जरूरी है वो कमर्शियल होना, कमर्शियल होना। तो 2009 में मैं टिकट लेके सीधा आ गया था, और पनवेल में मेरी बुआ रहती है, बॉम्बे में कोई जानने वाला नहीं, पनवेल में मैं आया था बैग लेके, मुझे याद है 2009 में फरवरी में, और उनके घर पे रुका। उसके बाद 7-8 महीने की जो ट्रेन, लोकल ट्रेन और बस की जो जर्नी शुरू हुई अंधेरी आने तक की, रोज 3 घंटा आना, 3 घंटे जाना, 6 घंटा, अब फिर यहाँ 1-2 घंटे आप रुकना रुकना, मतलब मेरी तो हालत, मैंने कहा गलत जगह आ गया मैं। और उसी समय मैं, क्योंकि जिना इसी का नाम है एक शो दूरदर्शन पे, मैं शूट कर रहा था उसमें, एक साल मेरा पता, हालांकि लंबा चलता लेकिन मैंने छोड़ दिया उसको, उमेश बिष्ट उसको डायरेक्ट कर रहे थे। अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको स्ट्रगल भी नजर आती है, वो इरादा भी नजर आता है, वो जिन लोगों ने आपका विरोध किया होगा वो भी नजर आता है, और उसके बाद जब आज आप काम कर रहे हैं, तो जो आपके अंदर का वो जो कलाकार है, वो जो आर्टिस्ट है, वो कितना सेटिस्फाइड है? देखिए आर्टिस्ट को पैसे शोहरत ये सेटिस्फैक्शन नहीं देता, सेटिस्फैक्शन ये देता है कि आप कम काम करें अच्छा काम करें। मैं उस जोन में हूँ, मैं अभी कम काम कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इस बात की संतुष्टि मुझे है, और मैं उसी जोन में आगे करना भी चाहता हूँ कि काम मेरे पास कम आए अच्छा काम आए, लोग ये ना कहें कि अरे यार बी ग्रेड का काम कर रहा है, सी ग्रेड का काम कर रहा है, ये गलत कुछ कर रहा है, उस तरह का जोन में मैं कभी भी नहीं जाना चाहता हूँ, तो अभी तक तो यही है। तो जब भी कोई एक्टर बनने की सोचता है, कलाकार बनने की सोचता है, तो सबसे पहला जो विरोध होता है वो आसपास के लोगों से शुरू होता है, बिल्कुल समझाना जो शुरू होता है आसपास के लोगों से होता है, और तब अचानक ऐसा होता है कि सारी दुनिया बहुत समझदार हो जाती है और आप बहुत बड़े बेवकूफ हो जाते हैं। तो उस बेवकूफी वाले मोमेंट को आपने कैसे जिया, कैसे टैकल किया, और कैसे इरादा अपना पक्का किया? देखिए एक्टर बनना या कोई भी कलाकार बनना विद्रोह करने वाली बात है, आप विद्रोही हैं तभी आप कलाकार हैं, तो मैं भी उसी जोन में था। और जब आप विद्रोह पे उतर जाते हैं ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं ये जरूरी है, वो ज्यादा मायने रखता है कि आप अपने निर्णय पे कितना अड़ी है, मतलब उसमें कितनी रिजिडिटी है, कितनी ज्यादा आपकी कन्विंसिंग पावर है उसमें।
तो मैं कन्विंस था कि मैं कलाकार वाले जोन में ही हूँ, कहीं बनना, चूंकि देखिए मैंने कहा घर से कोई नहीं है, बट पिताजी मेरे बहुत अच्छा गान गाते थे, थिएटर लोकल लेवल पे करते थे, उनका अपना ग्रुप था, मेरे दादाजी कल्चर के बड़े मतलब शौकीन कि उनके उन्होंने दरवाजे पे वो कलाकारों को बुला के और दो दो महीने वहाँ प्रोग्राम होता था, जैसे मुरीद होते हैं, हाँ, रामलीला कृष्णलीला और वो सती सावित्री और बिहुला, उस तरह का जो बिहार का लोकल फोक कमाल का, तो कहीं वो वहीं से ट्रेवल हुआ ये मुझे पता चल गया था। बट एग्जैक्टली इस तरह से कूद पड़ना कि बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ कोई नहीं जानने वाला है आपका और सीधा आप आ गए, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो टैकल मेरे लिए मुश्किल शुरू में था, अब जाके वो घर वाले तो कन्विंस भी हो गए कि नहीं नहीं तू सही डिसीजन तूने लिया नौकरी ना करके, बट उनको अभी भी लगता है कि यार इसमें तू कुछ अच्छा कर ले, मतलब आईएएस तू नहीं बना बट इसमें कुछ आईएएस वाली बात लाओ ऐसा। तो जब मैं कोई रोल प्ले करता हूँ जिसमें कि कोई ऑफिसर बनना हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। गांधी मैंने एक रोल किया था जो मैं गांधी बना था आज तक चैनल पे 2012 में, बॉम्बे से बुलाया था उन्होंने दिल्ली, और वो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। 10 दिन हम लोग 10 शहर घूम रहे थे बड़े बड़े इंडिया के, और उसमें वो बड़ा चैलेंजिंग सा कुछ था, वो देख के टेलीविजन में बड़ा मजा आया उनको। शुरू में मैंने बालिका वधू एक सीरियल उसमें मैंने मेरा बड़ा अच्छा गेस्ट अपीयरेंस था, तो वो देख के उनको मजा आता था। सावधान इंडिया, शपथ, शैतान, इस तरह के जो शोज हैं, क्राइम पेट्रोल, तो वो मैं करता था शुरू में, तो उनको बड़ा मजा आता था कि यार टीवी में बड़ा अच्छा कर रहा है। ऐड एक आ गया था मेरा जननी सुरक्षा योजना, तो वो बहुत सालों तक चला, उसको देख देख के बड़ा खुश होते थे, चल टीवी पर दिख रहा है, मतलब कच कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। राइट, तो महारानी जो आपको कैरेक्टर मिला जिसने आपको एस्टेब्लिश किया, आपकी मेहनत को सबके सामने प्रस्तुत किया, उसमें कुर्ता जो था वो तो पिताजी का था जी, कैमरा वर्क किया था भाभी जी ने, है ना, तो इनका सपोर्ट ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन वैसे आपके करियर में कितना सपोर्ट है? पिताजी का बिल्कुल भी, जिसमें मैंने कहा कि शुरू से कभी भी नहीं रहा, वो चाहते ही नहीं थे कि, क्योंकि जैसे ही मैं होश में आया था मुझे याद है वो गाना गाना बंद कर दिया था उन्होंने, गड़बड़ हो गई कहीं इस पे वो छाप ना आ जाए, उनको नहीं पता कि वो छाप ऐसे नहीं आता, वो तो डीएनए से आता है, तो वहा गया था। तो वो सपोर्ट अब जाके थोड़ा कन्विंस वो हुए हैं कि तुम महारानी देखा उन्होंने, बड़ा खुश हुआ, अरे क्या बात है, बड़ा बड़ी अच्छा रोल करता है तू, अच्छा एक्टर है, तो एक वो है उनके अंदर अभी। जहाँ तक मेरी वाइफ जो है गुड्डी, उनका गुड्डी नाम उनका, तो उनका ये है कि मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें मैं 100% आपके साथ हूँ। आज के डेट में भी बॉम्बे में आप समझ सकते हैं कि एक सिर्फ शो मिलने के बाद की जो जर्नी होती है वो और टफ हो जाती है। राइट राइट राइट, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाते हैं कि आप एक अच्छी जगह रह रहो, मेंटेन थोड़ा करना और उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो सब करना और फैमिली के साथ, एक छोटी बच्ची है उसके साथ, तो वो मतलब समझ लीजिए कि एक एक कदम पे मेरे साथ है, मैं जैसे भी रहूं जो भी है वो पूरा फुल सपोर्ट में है, और उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है आज के डेट में, और है वो, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खुश हूँ। तो पंकज जी, अब लास्ट में बस ये पूछना चाहूंगा, आपको विद्रोह करना पड़ा, आर्टिस्ट को विद्रोही होना पड़ता है, और आगे वो विद्रोह थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि आपने ये साबित किया जहाँ पे आपके घर वाले परिवार वाले चाहते थे कि आप आईएएस बने लेकिन आप एक कलाकार बने, तो उन पेरेंट्स से, उन लोगों से आप क्या एक कहना चाहेंगे, बात क्या समझाइश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी कड़वी बात मैं बोलूँगा एक, कि अगर आपको लगता है कि बॉम्बे हम झोला उठा के आ जाएं, तो ये बड़ी भूल है आपकी, ऐसा बिल्कुल ना करें सबसे पहला। दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये तो वैसे नहीं लगता, एक तो दो तरह से लगता है, एक तो होता है कि रियल लगना, जो बहुत बात पता चलता है, शुरू में लोग ग्लैमर से प्रभावित हो क्या किसी को देख के कि मैं भी शाहरुख खान है ना, सलमान खान और इस तरह के बड़े एक्टर्स का नाम, उन लोगों को देख के आप प्रभावित होते, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, वो बहुत गलत है। पहले थिएटर शुरू करिए आप, क्योंकि थिएटर ना आपके अंदर का पेशेंस, हर चीज की परीक्षा वो ले लेगी थिएटर। मतलब मैं ये मानता हूं कि थिएटर में बुरा इंसान जो क्रिमिनल होता है वो भी अच्छा इंसान बन जाता है, तो थिएटर में इतना कुछ है, क्योंकि वो इंटरनल जर्नी है कंप्लीट। एक तो एक्टिंग पूरी की पूरी इंटरनल जर्नी है, बाहरी कुछ भी नहीं है, वो कॉस्ट्यूम मेकअप जो दिखावे की बात है, बट बेसिकली इंटरनलाइजेशन जो है वो वही है। मैं वर्कशॉप भी लेता हूँ एक्टिंग का, जो नए बच्चे आते हैं उनको सिखाना और ये सब, तो उसमें उन लोगों को पूरी की पूरी मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो इंटरनलाइजेशन का एक रहता है। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, तो शब्दों के थ्रू कैसे आप उस जर्नी में जाते हैं, अंतर यात्रा जिसको हम कहते हैं, अंतर यात्रा में जब तक आप नहीं जाते हैं किरदार के, तब तक वो किरदार आप नहीं निभा सकते। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा बताया आपने, और आपकी जर्नी वाकई और भी लोगों को इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और ये बताएगी कि हाँ, खुद पे भरोसा रखो तो भले साल लग जाए,
लेकिन बाद में आपको कामयाबी जरूर मिलती है। तो मेरे साथ है पंकज झा, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं एज एन आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, और अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, स्लो हैं लेकिन चल रहे हैं उसी रास्ते पे जिस पे चलना चाहते थे। शुरू में विद्रोह किया, उसके बाद एक बहुत बड़ी बात कही कि तैयारी बहुत ज़रूरी, क्योंकि तैयारी आप जब करके आते हैं, मुंह उठा के नहीं चले आते हैं, मतलब बगैर तैयारी के नहीं आते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो इंटरनल जर्नी आपने जी होती है, जो पेशेंस आपने दिखाया होता है, वो आपको आगे तक लेके जाता है। इसके साथ साथ आप जो भी किरदार करें, एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है, जो उन्होंने उस टाइम पे कहा सुहास जी के लिए कि एक रेफरेंस दिया, रेफरेंस से आपने अपना इमेजिनेशन बनाया, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्टर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जैसी वो पकड़ में आता है तब सही सुर लगता है। इसलिए बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनिए ताकि आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो पाए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं, सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें एक्टर योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।